क्या हुआ निखिल भैया? और हम लोग जा रहे हैं पानी पीने, क्योंकि इतना भयंकर चक्कर में इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत आराम आराम से चलना पड़ रहा है। और चंगरू विल, विल मतलब विलेज, टिनकपुर खोला, और ये लोग अंदर बैठे हैं, दीदी से बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आने वाला जो जय शंकर महाराज, गुड मॉर्निंग। और हम लोग उठ चुके हैं, सो रात को गुंजी पहुंच गए थे जैसा कि आप लोगों ने देखा, और अब हो गई है सुबह। हल्का हल्का हेडेक भी हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज की जो जर्नी है वो 30 किलोमीटर तक की है, ऑलमोस्ट आदि कैलाश के लिए। तो हम लोग अब चलेंगे आदि कैलाश के लिए, और मेन चीज़ ये है कि अभी पता चला है कि वहाँ पर नाला भी आता तो बाइक्स नहीं जा सकती, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम लोग आगे जैसा भी होगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी हमारा प्लान है। अब चलेंगे हम लोग आदि कैलाश के लिए, और ठंडा हो रहा है बहुत तगड़ा, और थोड़ी थोड़ी सी चाय लेंगे। और रात में थोड़ा हेडेक भी रहा क्योंकि हाई एल्टीट्यूड था, कल पूरे दिन टैनिंग हुई है इतनी धूप में, पूरे सारे हाथ जल गए, पूरा सब कुछ सनबर्न हो चुका है अच्छे से। और मेन चीज़ क्या है ना, ऑल्टीट्यूड का फ़र्क है। ऑल्टीट्यूड, आप इतने ऑल्टीट्यूड में आ जाते हो कि आपको एकदम उसकी आदत में आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। सो अब क्या चल रहा है मामला कि चाय लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, और आपको दिखाता हूँ बढ़िया सा व्यू। बाइक की हो रही है थोड़ी सी दिक्कत, हवा निकल गई है उसकी, तो हम लोग आके देखेंगे वो चीज। और बाकी सुंदर सी वैली, और हम चल रहे हैं अब गणेश नाला पे, मिलते हैं क्योंकि गणेश नाला मेजर रूट है। और ये देखो भाई, किटकैट चॉकलेट खाते हुए एनर्जी बार, सुंदर वैली। और इधर है पाइंस के पेड़, और बगल में बह रही है माँ काली का, क्या बात है यार, अमेजिंग। तो ज्यादा यहाँ से ना गुंजी से पड़ता नहीं है, मतलब आदि कैलाश थोड़ा ही है, मतलब एक डेढ़ घंटे की राइड है, बट रास्ता ऑफ रोडिंग है पूरा ऐसा, जिसमें मैं मतलब चल रहा हूँ अभी, और पूरे ग्लेशियर्स सारे के सारे, बहुत मजा आने वाला है इस वाली राइड में। और अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक नाला भी पार करना है जो कि बहुत फेमस है, गणेश नाला। तो देखते हैं पार कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो जो ओपन वाइड आया है ना व्यू, मतलब मजा ही आ गया यार, दिल जीत गया, मतलब पूरा लद्दाख का फील आएगा ऑलमोस्ट। लद्दाख जैसी वैलीज तो नहीं मिल पाएंगी, बट जो ये रास्ता है ये तो पूरा ऑफ रोडिंग है यार, मतलब ऑफ रोडिंग करनी है तो भाई उत्तराखंड में आ जाओ, पिथौरागढ़ जिले में आ जाओ, आदि कैलाश करो, ओम पर्वत करो। भैया का बैग अभी नीचे गिरा था, सो आर्मी वाले भैया जो लोग हैं इन्होंने दिया था बैग, तो इन्होंने बहुत ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर।
तो फाइनली भैया का बैग मिल गया जिसमें वॉलेट था, सब कुछ था, 20,000 रुपए कैश भी थे और आर्मी वाले सर लोगों ने हमें ये सारी चीजें दे दी हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे भैया के। हाँ नहीं हमारी ना, अरे पीछे आर्मी वालों की ऑफ रोडिंग वाली कार आ रही है भाई साहब, एक नंबर यार। सो आर्मी वालों को भी पूरी ऑफ रोडिंग गाड़ी लेनी पड़ती है यहाँ पे। रिवर क्रॉसिंग कैसी होती है वो मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ, वो भी आर्मी वालों की गाड़ी से कैसे होती है। तो चलो ये टोटली ऑफ रोडिंग, इतनी टफ टेरेन है। सो फाइनली आदि कैलाश महाराज के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। इतनी सुंदर बढ़िया सी वैली है यहाँ पे और ये सारे पूरा पूरा हिमालयन ग्लेशियर्स सारी की सारी चीजें, आदि कैलाश, माउंट आदि कैलाश। बहुत बढ़िया फील हो रहा है यार, इतनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे बड़ी मुसीबत से, क्योंकि ऑफ रोडिंग है पूरा। सो थोड़ा बहुत बचा है, 4-5 किलोमीटर बचा है, तो उसके बाद सीधे करेंगे दर्शन वहाँ पे। जय शंकर। जस्ट हम लोग नाम सुनते थे आदि कैलाश, ओम पर्वत, और आज ऊपर वाले की कृपा से दर्शन भी कर रहे हैं यार। फीलिंग सो लकी, ब्लेस्ड यार यहाँ पे, सीरियसली भाई बहुत अमेजिंग यार। ऐसी थोड़ी ना देवभूमि है, सिंगल सिंगल आ रही थी तो बैठे पिकअप में गाड़ी में, और इतनी दिक्कत। बहुत अच्छा, बहुत अल्टीमेट, मतलब बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ, बेस्ट ट्रिप आई एवर हैड, सीरियसली हेवन है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। या बाइक का मजा भी लिया, पिकअप का भी ले रहे हैं। सो बाइक चलने में थोड़ी दिक्कत कर रही थी, मतलब दो लोगों में दिक्कत कर रही थी, बुलेट। तो मैं तो अपनी लेके नहीं आया आदि कैलाश, बिकॉज मैं कल ओम पर्वत लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेट्रोल का इशू हो रहा था, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फुल टैंक ही करवा के लेके आए अब जब भी आए। सो अभी हम भैया लोगों के साथ बैठ गए हैं पिकअप में, और ये एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि खुली वादियाँ और आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, बढ़िया अमेजिंग। पीछे अंकित तो पूरा लेट गया। हाँ भाई अंकित, कैसा लग रहा है? बढ़िया। ऐसा मोमेंट जो गणेश नाला आ गया है यहाँ पे, और बहुत ही अमेजिंग है गाड़ी ने, पूरी इस साइड स्नो है, इस साइड स्नो है, एंड दैट इज कॉल्ड दी गणेश नाला, तो ये बहुत एक डेंजर पॉइंट है। यहाँ पे ये वाला है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। सो हियर वी आर ऑन द मैक्स पिकअप, और सामने गाइज आप लोग दर्शन कर सकते हैं आदि कैलाश पर्वत के, और बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अभी बादल नहीं लगे हैं, क्योंकि बादल लगते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो किस्मत है अगर आपकी जो आप आ रहे हैं उस समय पे दिख जा रहा है, तो कैलाश, छोटा कैलाश वही है। तो यही एक कैलाश मानसरोवर का छोटा सा भाग है, मतलब इसी आकार में कैलाश एक बड़ा पर्वत है और ये है उसका छोटा पार्ट, सो डेट इज दी आदि कैलाश। तो बहुत भव्य दर्शन है, हालांकि जाना अभी हमें और आगे है, बट अभी हमें पास चेक करवाना है अपना, सर लोग पास चेक कर रहे हैं मेरे पीछे, देख सकते हैं आप। फिलहाल जॉलीकॉन्ग पहुंच गए हैं, और थोड़ा थोड़ा पैदल बस यहीं तक ही जा रहे हैं, ताकि हम थोड़ा और व्यू देख सकें, क्योंकि भैया लोग कोई आए नहीं है। सो हमने पास वगैरह सारा यहाँ सबमिट करा दिया, जो आर्मी वाले सर लोग हैं उन्होंने बोला है कि आप यहाँ तक जा सकते हैं और देख सकते हैं पूरा व्यू। तो मतलब टोटली ऑफ रोडिंग है आज। एक गणेश नाला आया हुआ था, मतलब आप ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इतना गर्म हो रहा है, तो उसमें ना सर्टेन तरीके से एक बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है पानी का, तो उसमें हम लोग बाइक नहीं ला सकते थे। अब भैया लोगों को भी ट्रैक करके आना पड़ेगा 3 किलोमीटर, हम लोग तो पिकअप में आ गए लकीली अचानक। सो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना, छोटा सा स्पॉट, बट दिस इज द लास्ट स्पॉट, मतलब यहाँ खाने की व्यवस्थाएं और रुकने की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, क्योंकि ये जॉलीकॉन्ग है। सो बेसिकली अगर जॉलीकॉन्ग देखो यहाँ पे है, और जॉलीकॉन्ग के अपोजिट साइड देखोगे तो ये है माउंट आदि कैलाश, तो आप समझ गए होगे कितना मतलब हार्ड रहा होगा। और अब मैं आपको ऑफ रोडिंग दिखाता हूँ कि किस टाइप का रास्ता है। ये देखो आप, पूरा डाउन्स है, पूरा मतलब आप हिमालयस पे हो इस समय। मेन चीज़ ये है, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है, सो बहुत स्टीप चढ़ाई भी है, तो आराम आराम से चलना पड़ता है। सो दिस वॉज द आदि कैलाश और जॉलीकॉन्ग,
और सामने की अगर ये आप देखेंगे ना नदी के इस पार, तो ये पूरा जो पार्ट है ये तिब्बत का पार्ट है। दिस मेजर बाउंड्री लाइन जो है वो तिब्बत की है और इधर हम लोग हैं इंडिया में। अभी तो ऑफ रोडिंग है, इट्स टू डिफिकल्ट यहाँ पे आना, बहुत डिफिकल्ट है यार, इतना मतलब आसान नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ईजिली पहुँच जाओ, क्योंकि बाइक्स भी हम लोगों ने पीछे खड़ी करनी पड़ी है। तो इस समय जो मैं खड़ा हूँ वो 14,500 फीट की ऊंचाई पे खड़ा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन में मतलब क्या हो रही होगी, मतलब 7-8,000 फीट के बाद ऑल्टीट्यूड में गिरावट हो जाती है ऑक्सीजन की। बट अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, आप डेली वर्कआउट करते हैं या करते हैं, तो आपको इतनी मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली है। बाकी आप हम लोग अपने साथ कपूर कैरी कर सकते हैं, तो जन्नत है यार, हेवन हेवन है। सो थोड़ी सी ले रहे हैं चाय, और चाय पीने के बाद चलेंगे पार्वती कुंड और गौरी कुंड भी देखते हैं, इफ पॉसिबल अगर बना तो जाएंगे ज़रूर। बाकी अभी सब लोग चाय वाय पीने के लिए रुके हैं और हालत हो गई डाउन बिकॉज ऑफ दी लो ऑक्सीजन प्रेशर। तो ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हो गए हैं और पीछे मेरे चल रहे हैं ट्रक और पीछे हैं यहाँ पे आदि कैलाश। सो हमें जाना है पार्वती कुंड, तो हम जाएंगे ये जो पीछे टॉप दिख रहा है यहाँ पे पैदल पैदल 3 किलोमीटर पैदल रास्ता है, तो इसमें चलते हैं पार्वती कुंड। सो पार्वती कुंड के लिए जब जा रहे हैं, पीछे मेरे हैं आदि कैलाश और जॉलीकॉन्ग, ये एरिया पूरा जॉलीकॉन्ग है, पीछे आदि कैलाश। अब हमें जाना है पार्वती कुंड, तो हम देंगे वाला रास्ता, यहाँ से ऐसे चलते हुए पहुँचेंगे वहाँ टॉप पे। चलिए, सो फाइनली हाफ रास्ते में पहुंच गए हैं और ऑक्सीजन बहुत ही कम है। ये देखो कैलाश जी बिल्कुल बादलों में लुप्त होने जा रहे हैं, अल्टीमेट बहुत भयंकर हालत हो गई है, क्योंकि सांस में लेने में तकलीफ हो रही है। सो भाई हालत हो गई है बहुत ख़राब, क्योंकि जॉलीकॉन्ग से ऊपर आने में ना मतलब हक्के बक्के गोल हो गए, बिकॉज इतनी कम ऑक्सीजन है कि मतलब ईजी नहीं होता है, बिल्कुल भी आना ईजी नहीं होता है। तो धूप निकली हुई है, अंकित लेट गया है, और अभी जिस स्पॉट पे मैं हूँ वो है भीम की खेती। जी हाँ, भीम जी ने यहाँ खेती करी थी, तो इसी चीज़ से यहाँ का नाम पड़ गया भीम की खेती। और मैं दिखाता हूँ आपको भीम की खेती कौन सी है। तो ये है वो भीम की खेती, जो कि यहाँ आपको धान दिख रहे होंगे हर साल, ये आप जब भी आएंगे यहाँ पे आपको धान मिलेगा, और ये अपने आप बड़े भी होते हैं और अपने आप कट भी जाते हैं। तो ऐसा मानना है कि भीम जी ये सारी प्रक्रिया करते हैं भोलेनाथ जी के चरणों में, जो कि साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं आदि कैलाश पर्वत पे। हर हर महादेव। तो भाई इतने संघर्ष के बाद आखिरकार पहुंच ही गए हैं पार्वती कुंड, क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखेंगे आप लोग, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ये ब्यूटीफुल सा पार्वती कुंड, और वो वहाँ पे रहा टेम्पल। सो चल रहे हैं बस अभी यहाँ पे, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, अंकित है मेरे साथ और निकिता आए हुए हैं। ओके फाइन, सो लेट्स गो देयर। पहुंच गए लेक के पास हम लोग, यार बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है, मतलब बता नहीं सकता, नीचे रिवर साइड एरिया है पूरा, और ये है पूरी लेक। और गौरव भैया बैठ गए हैं वो वहां पे, वो देखो बिल्कुल किनारे पे। बहुत ही बढ़िया ब्रिज बना रखा है। अभी करना है थोड़ा सा स्नान, उसके बाद ही मैं पार्वती मंदिर जा पाऊंगा, तो स्नान करना अनिवार्य है। अगर आप कर सकते हैं देन इट्स ओके, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी सी जल की बूंदें आप अपने उसमें डाल सकते हैं, और आपकी बॉडी क्लेमेटाइज हो जाती है यहाँ के वातावरण में, तो ऑफकोर्स आप स्नान कर सकते हैं, उसमें मतलब ऐसी कोई दिक्कत आ। तो भाई लोगों नहाना धोना हो गया है बढ़िया करके पार्वती कुंड में,
और अब चल रहे हैं पार्वती मंदिर, अब करेंगे हम लोग दर्शन, क्योंकि अब नहा लिया ना। एक तो आज सुबह हम वैसे ही नहीं नहाए थे क्योंकि 5 बजे उठे और उठने के बाद बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, तो एकदम उठने के बाद नहाते भी नहीं है, तो अभी थोड़ी बहुत धूप भी थी तो नहाना हमारा हो गया भोलेनाथ की कृपा से। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ बता दी है यहाँ के बारे में, बहुत अमेजिंग है। बस पार्वती कुंड लास्ट पॉइंट हम पहुँच गए और कल की यात्रा जो होगी वो होगी ओम पर्वत तक, वह मैं अपनी बाइक जरूर लेके जाऊँगा। सो फाइनली यह है माता रानी के मंदिर का द्वार और खूबसूरत सा यहाँ पे पीछे पार्वती कुंड, और अब करेंगे हम लोग अंदर दर्शन। चलो जय शंकर। दर्शन हो गए, बहुत ब्यूटीफुल सा टेम्पल है यहाँ पे, और मेरे पीछे पार्वती कुंड और ये ध्वज लहरा रहे हैं यहाँ पे, जय शंकर। तो सर मिले हैं हमें और सर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप लोग जब यहाँ तक आए हैं तो लास्ट बॉर्डर तक भी आप अपना जो इंडिया का बॉर्डर है वो आप ज़रूर देख के आएँ, बिकॉज इतनी दूर आप लोग आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। तो खुद सर यहाँ चल के आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने दूर माउंट आदि कैलाश पे। जो हम से पानी इधर को आ रहा है तो हमारे यहाँ से तो हम उधर को जाते हैं लेकिन वो इधर आ जाते हैं, उसको बाराहोती के नाम से सुना है। तो बाराहोती वॉज द ट्रेड सेंटर, ठीक है, और उसको जब नेगोशिएशन किया, हाँ चाइना आप इधर नहीं आएंगे हम उधर नहीं जाएंगे, तो बोला हम तो ट्रेड लगाने के लिए आते थे, हम तो उधर आएंगे, अभी भी आते चाइना की आर्मी, ठीक है, हम उनको भगाते हैं, रिपोर्टिंग होती है, हम रिपोर्ट करते हैं। तो गाइस दर्शन वगैरह सब हो गए हैं, लास्ट बार बाबू जी ने भी दर्शन दे दिए हैं, अब हम चलेंगे नीचे की तरफ और खाएंगे कुछ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। सो चलते हैं नीचे, अब हम दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे जो गाड़ी वाला है। तो सबके सब सुकून से अब दर्शन कर सकते हैं क्योंकि अब हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। तो यही है मेरे आदि कैलाश बाबा जी, जिनके ठीक नीचे यहाँ पे है पार्वती कुंड, बहुत सुंदर दृश्य है। सो आप लोग आए आदि कैलाश और जरूर आए मेरे साथ। Oh.